धीरे धीरे फॉल्टी डेविल की जो टीम है वो यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आने वाले। जी हाँ, यहाँ पर मैरिया इसकी स्नाइपर लाइक क्या ही हम स्नाइपर कहें, हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, आसपास से सारे तोड़कर लाइए, लाइक इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी वो ऐसा कमाल करके दिखा देते हैं। बिल्कुल यहां पर हम लोग बात करें, फिलहाल एफडी लगातार आगे की तरफ बढ़ने का ट्राई करेंगे। फॉल्टी डेविल से यहां पर कहीं ना कहीं चारों प्लेयर्स अलाइव है, कोई भी किल हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। एंड यहां पर हम लोग बात करें अल्ताफ की, तो देखते हैं पर क्या वो अच्छे डैमेज दे पाएंगे। स्नाइपर इनके पास भी होने वाली, तो स्नाइपर प्लेयर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। शील्ड ऑन कर दी गई, फटाफट से यहां पर अपने प्लेयर को हील करना पड़ेगा। टीएसजी की यहां पर हम लोग बात करें तो दूसरी टीम यहां पर नजर आई है। एंड यहां पर देखते ही देखते टीएसजी यूनाइटेड कहीं ना कहीं मदारा के हाथों में M79 हमें देखने के लिए मिल रहा है। सर्कल बहुत ज्यादा पास है, पांच टीम यहां पर बची है, 12 प्लेयर्स अलाइव। एंड यहां पर लॉन्चर का जो फायदा है वो हमें साथ साथ देखने के लिए मिलेगा। एंड फाइनली यहां पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा टीएसजी, चार किल के साथ यहां पर लीड बनाकर आगे की तरफ बैठे। मदारा कहीं ना कहीं इस मौके का पूरा पूरा एडवांटेज जरूर उठाना चाहेंगे। सामने फॉल्टी डेविल्स की टीम होने वाली, उन्होंने अपने आप को बचा कर रखा। एंड सामने एक जो अकेले प्लेयर यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहे टीएसजी आर्मी की तरफ से, ओजस्वी सर्वाइव करते हुए नजर आने वाले। अच्छे कदर रिच का कवर उनको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। रिच का कवर इतना सही रहता है जहां पर आपको सामने वाले एनिमीज जो होते हैं, ओपोनेंट टीम वाले प्लेयर होते हैं, वो आपको डिफॉल्ट एम उनका कनेक्ट नहीं हो पाता, कहने के आप अच्छा खासा डैमेज उनको प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक स्नाइपर है तो इजीली कनेक्ट करके बहुत सारा डैमेज दे सकते हो। अभी हम लोग बात करें मदारा, कहने के पूरा पूरा ट्राई जरूर करना चाहेंगे। जॉन सीना की अगर बात की तब वो यहां पर नॉक हो जाएंगे। अपनी टीम की तरफ से देखा जाए तो बहुत सारी मुसीबतें होने वाली, सर्कल में सभी प्लेयर्स को जाने वाला है। ओजस्वी कोई मौका यहां पर नहीं छोड़ना चाहेंगे, थर्ड पार्टी करते हुए नजर आने वाले। जी हाँ, यहां पर बहुत सही तरीके से हमें गेम देखने के लिए मिल रहा है। तीन टीम्स यहाँ पर बची है, पांच प्लेयर्स अलाइव। एंड देखा जाए तो 2v2v1 हमें देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर जेठालाल की बात की तो जेठालाल कहीं ना कहीं यहाँ पर जो किल है वो कंफर्म कर लेंगे। तीन किल फॉल्टी डेविल्स की तरफ से हमें देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग बात करें यहाँ पर क्या ओजस्वी अभी भी सर्वाइव कर पाएंगे, सेकंड पोजिशन यहाँ पर अपनी टीम को दिला पाएंगे। जेठालाल वर्सेस ओजस्वी यहाँ पर होने वाला था, लेकिन फाइनली फॉल्टी डेविल्स यहाँ पर फर्स्ट मैच के अंदर बुया निकाल कर गई है। बहुत ही प्यारा गेम प्ले हमें देखने के लिए मिल रहा है इस टीम की तरफ से प्रसाद जी। बिल्कुल, और जितना भी बैटल मैंने देखा, लेफ्ट राइट हर तरफ से यहाँ पे टीम्स आई। पहली बार ऐसा, मैंने कहा था पहले कि बहुत ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। सेंतोसा से तीन टीम आ रही थी, इधर से तीन टीम, दो तीन टीम, चार से पांच, छह टीम यहाँ पे एक साथ अगर भिड़ंत हो रही है तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिस्ट क्या बना है वो समझ में नहीं आता है, और किस पे पहले रश करे, किसको मारे। लेफ्ट राइट हर तरफ आपको क्रोनो यूज करना है, ग्लू वॉल्स लगानी है, रिसोर्सेज पूछना है किसके पास क्या है। यहाँ पे जब भी मैं खेलता हूँ हमेशा पूछना चालू रहता है कि ग्लू वॉल किसके पास है, लेफ्ट लगाओ राइट लगाओ। तो यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया और आखिरकार बुया निकाला, मुझे लगता है कि शायद ये उनको ना एक शॉक लगा, और शॉक में से बाहर आके कुछ तो भी हासिल करके जो उनको खुशी हो रही है अभी। मैं तो बोलता हूं कि बहुत डिजर्विंग गेम प्ले था और बहुत प्यारा गेम प्ले था। बिल्कुल, अब बहुत ही प्यारा गेम प्ले था, तारीफ जरूर करना चाहूंगा। कोई भी किल उनके पास नहीं थी, जीरो किल्स यहां पर उनके पास थी। जब हमने देखा डबल डोर से जैसे वो फैंस की तरफ बढ़े ना, वहां पे होल्ड करके बैठ गए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे दो टीम जिनकी फाइट चल रही थी, जहां पर सबसे पहले हमने टीएसजी आर्मी को देखा वर्सेस जो हमारी वासियों की टीम थी, दो टीम्स ऑलरेडी फाइट में एंगेज थी। एंड थर्ड पार्टी करने के लिए वो आए थे यहां पर, लेकिन 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 उनको भी बहुत सारा डैमेज दिया, अपने आप को बचा कर रखा होता, क्योंकि उनकी टीम में भी एक स्नाइपर प्लेयर, मैं नाम यहां पर नहीं याद रख पाया, उनकी टीम में एक स्नाइपर प्लेयर था जो कि डबल दोनों जो प्लेयर्स थे ना वासियों की टीम के एंड इधर फॉल्टी डेविल्स से, स्नाइपर शॉट्स एक दूसरे को लगातार दिए जा रहे थे। यहाँ पर पूरा पूरा ट्राई कर रहे थे कि नॉक्स निकाल सके, देखा जाए बहुत सही सर्वाइव। टीएसजी आर्मी का एक अकेला प्लेयर ओजस्वी रोटेशन लेकर जो रिज का कवर था, पूरा स्लोप का कवर था, वहां पर जाकर बैठ के छुप कर, एंड कोई भी गलती वो नहीं करना चाहते थे, उनको पता था एडवांटेज मेरे पास रहेगा, स्लोप का कवर है, कहीं ना कहीं जो डिफॉल्ट एम रहता है ना ओपोनेंट का वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, आपके पास एक एडवांटेज रहता है, एंड वो ओजस्वी ने पूरा पूरा उठाया वहां पर। जी बिल्कुल, और जो भी बैटल मैंने देखा उसमें ना दो बंदों ने अपना बहुत ही बखूबी परफॉर्मेंस दिया। एक जो फ्लैंकर है राइट साइड घूम के जो आराम से डैमेज दे रहे थे, और जो स्नाइपर प्लेयर्स है उन्हें पता था कब होल्ड करना है बैटल को और कब रश करना है, तो वो लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज स्नाइपर प्लेयर्स कहीं भी चूक नहीं रहे थे। मैं तो कोशिश कर रहा था कि स्नाइपर प्लेयर्स दूर से खेलो भाई, क्योंकि अगर आप मर जाओगे तो कहीं ना कहीं टीम को यहाँ पे भारी भरकम नुकसान होता है, बिकॉज एमएट